आपने तो बहुत ड्रामे देखे होंगे, वो एक्टिविटी ड्रामा वाली मुझे इनसे करनी चाहिए थी। इसके बाद मुझे तलत भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तलत हुसैन? अच्छा, तो वो इत्तेफाक से जो ना अब्दुल्ला ने एक ड्रामा बनाया था मेरे घर पे। अच्छा, तो उसमें इन्होंने रोल किया था। हाँ। तो वहीं से मेरी इनकी सलाम दुआ हो गई थी। अच्छा, तो मुझे एक दिन कहने लगे, रऊफ एक काम ये करा करो कि तुम दो दो लड़कियां रखो। क्या मतलब? दो दो लड़कियां रखो। लड़कियां रखो? हाँ, हर तबके से, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, उनको अपने पास रखो, और ये टेप जो तुम देखती हो ना वो उनको भेज दो, वो जज करे कि वो क्या कैसा है, ऑडियंस रिसीव करेगी। अच्छा, मैंने कहा ये क्या मशवरा दे रहे हो, फोकस ग्रुप वो आपको जो है उसका व्यू मिल जाएगा कि लोग क्या पसंद करते हैं। उसके बाद वो तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने यहाँ स्टाफ में जे जे मेरे कहने का ऐसे किया, मैंने कहा भाई हम कितना देखेंगे, क्योंकि ड्रामा औरतें देखती हैं। और सही बात है, सीरियसली आज भी हमारे यहाँ स्क्रिप्ट इसी तरह देखी जाती है, और वो अच्छा होता है तो मियां कहता अच्छा चलो मियां। तो ये सारी बुनियादें उसी जमाने में मैंने ही रखवाई थी। उससे क्या हुआ कि हमें पता चलता था कि भाई हमें ये लेना है या नहीं लेना है। ये आज हमारे यहाँ सारी स्क्रिप्ट पे लड़के ही देखते हैं। जी जी जी। और वो देखने के बाद जो हम आप फाइनल करके देते हैं। जी जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पे, मतलब इस तरह हर काम को उसके तरीके से किया जाएगा ना तो उसका फायदा होगा। अगर आप उसको तरीके से नहीं करेंगे, जब ये क्यू टीवी स्टार्ट किया तो लोगों ने जो ने कहा पागल हो गए, मार देंगे, ये करेंगे। ये भाई मेरे पास आया कि वो रहो भाई अब मुझे जो है ना वो क्यू टीवी पे लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा देख, सारी जिंदगी काम किया है, अपनी आखिरत के लिए भी काम कर। और मैं तुझे कहीं और देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह वो जगह मिली। तो ये मेरे साथ इकबाल भाई की तूतू में हुई। मैंने इसका जब नाम लिया ना कि इसको लो, कहने लगा तू कोई, मैंने कहा मैं सारा दिन बैठ के ना देखता हूँ लोगों से बैठता हूँ, पता भी चलता है। मैंने कहा ये अल्लामा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उस जगह पे आया जहाँ मैं देख रहा था। मेरे लिए भी कुछ मेरी है मेरी हमेशा हमेशा मेरी हमेशा मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मैं मेरे ख्याल से टेक्निकल साइड पे देख लें, पूरे पाकिस्तान में मीडिया में तकरीबन बच्चे मेरे हाथ के निकले लगे हैं यार। न्यूज़ में भी देख लें, अपने नाम में मजहबी में भी देख लें, नाथ खां की आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जिनको कोई बेचारों को पूछता नहीं था। मौलाना थे, उनको नहीं कोई पूछता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। बिल्कुल, असल सारी चीज़ें हैं कि आपको देखना है कि इंसान की भूख क्या है, आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जो चीज़ ज़रूरत है वो आप देंगे, ऑटोमेटिकली आप मार्केट आएगी। इसमें सबसे बड़ी मेहरबानी जो है अल्लाह की, और सबसे बड़ा मसला ये कि हमारी फैमिली में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक दूसरे के पीछे टांग खींचने वाला कोई नहीं। सपोर्ट करता है, अगर कहीं कमजोरी भी होती है तो सपोर्ट सपोर्टिंग के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। हमारे वालिद साहब को तो तकरीबन 45 साल हो गए, हमारा आज भी एक ही दस्तरखान है माशाल्लाह, और एक ही फैमिली है हमारी अपने पूरे घर के अंदर। बुजुर्गों के हाथ चूमना ये सब के लिए टिप्स देना जरा लोगों को, तकरीबन आप समझ रहे हैं हम भाई सारे 9 बजे टेबल पे खाने में साथ होते हैं। अच्छा, दुनिया इधर की इधर हो जाए। हमें एक दूसरे का पता भी चलता है, वो क्या रहा है, एक दूसरे की स्टोरियां चलाते हैं, फिर एक दूसरे की फिल्में भी उतारते हैं। अच्छा,
अल्लाह ने बड़ा बहुत बड़ा कर्म किया। ये सारे बुजुर्गान दीन की दुआएं हमारे साथ, हमारे माँ बाप की दुआएं आज हम इस मकाम पे पहुँचे। बिल्कुल वरना हमें कोई 200 रुपए में नौकरी पे नहीं रहे। अल्लाह ऐसे क्यों है? ये सब उसका करम है, हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ हाथ रखा है अल्लाह ने हमारी सपोर्ट की। क्योंकि हमने काम की तरफ ध्यान दिया है, दाएं बाएं ना। मेरे वालिद साहब एक बात बहुत जरूर कहते थे, कहते बेटा किसी की अगर तरक्की हो ना उसके बीच में टांग नहीं अड़ाना। वो अल्लाह के सामने आप अपना काम करो और हमेशा ये देखो तुम्हारे जेब में क्या है, जाते हुए नुकसान को कभी मत देखो, काम किए जाओ, अल्लाह आपको तरक्की करेगा। बड़ी चीजें देखी इस दौर में। सबके नाम एक एक दफा सबको ऑडियंस को बता देना, जो पूरे लाइक भाइयों के जो जिस जिन्होंने ARY शुरू किया, सारी जो जो आपके साथ पूरी फैमिली में जो जो ARY को लेके चल। बेसिक तो रजाक भाई ने काम किया, ठीक है। इकबाल भाई का पेशेंट था ये। अच्छा। सलमान को और मेरे को, सलमान को पहले फंसाया सलमान भाई इकबाल भाई, फिर इनके बड़े भाई, फिर इसके बाद मुझे ले आके इधर फंसाया के जी वो तू देख। जब सलमान भाई को आप लोग जबरदस्ती लेकर आए कि ये करो संभालो, पहले क्या पहले थे वो करते थे, आने से पहले वो क्या करते थे? सलमान साहब भी अब ये पढ़ के सारे निकल के आए थे। ओ पढ़ के हमने सीट लिया उनको। अच्छा अच्छा, ये पढ़ के सारे निकल के आए थे सारे। हाँ। तो अपने नाम में फिर ये लंदन में शुरू हुआ ये। इसके बाद मुझे कहने लगे जी और आप तो, मैं सुबह जो है फैक्ट्रियाँ मेरी हैदराबाद थी दो, एक ये थी। अच्छा। मैं सुबह निकलता था हैदराबाद, हाँ। 1 बजे 1:30 बजे वहाँ से वापस आता था, फिर यहाँ 5 बजे तक यहाँ फैक्ट्री में बैठता था। 6 बजे के बाद ये ड्रामों की कहानी शुरू होती थी, सब आते थे ड्रामे लेके और टेपे जमा होती थी। उसके बाद जी कायो स्टूडियो बनाओ। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी बड़ी फैसिलिटीज हमारे पास है, बिल्कुल इसके पास